नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर। क्या होता है निर्वात यानी वैक्यूम? किसी भी स्पेस से, किसी भी मटेरियल के अंदर से अगर हम सारी हवा को बाहर निकाल दें तो वहां पर वैक्यूम यानी निर्वात का निर्माण हो जाता है। कैसे? हम घर में ही उपलब्ध चीजों से हम वैक्यूम का निर्माण कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक बलून चाहिए और हम क्या करेंगे, अगर हम इसके अंदर की सारी हवा खींच लें तो क्या होगा कि इसके अंदर वैक्यूम का निर्माण हो जाएगा। अब हवा कैसे खींचे, तो हमारे पास हमारे फेफड़े हैं जो सबसे बड़ा साधन है। किसी भी बलून के अंदर कम से कम हम वैक्यूम तो क्रिएट कर ही सकते हैं, तो इसके अंदर की सारी हवा खींचते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बलून की सतहें हैं आपस में बहुत चिपक गई हैं, बिल्कुल चिपक सी गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है और बाहर का जो वायुमंडल का दाब है, वायु ये जो बाहर की हवा है, इसने इसको क्या कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया है। तो ना सिर्फ आप वैक्यूम समझा सकते हैं बल्कि जब बच्चे इसके परतों को अलग करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, इसको इतना आसान नहीं है इसकी दो सर्फेसेस को अलग कर पाना, इसकी दो सतह को खींच के अलग कर पाना। और इस वक्त बच्चे क्या महसूस कर रहे होंगे खींचते वक्त, जो वायुमंडल का दाब है, जो वायुमंडल का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस कर रहे होंगे। तो आप अगर किसी एनजीओ में हैं या किसी स्कूल में टीचर हैं और इसको अपने बच्चों के साथ करना चाहते हैं तो मैंने एक पीडीएफ इस तरीके से बना के रखा हुआ है जिसमें और थोड़ी सी डिटेल है कि आपको क्या सामग्री चाहिए, आप प्रश्न क्या पूछ सकते हैं बच्चों से, आप डिस्कशन क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो वो आप अगर कमेंट कर देंगे, लिंक आपको एक ग्रुप का मिल जाएगा, एक मेल आईडी मिल जाएगी, उस पर अगर आप मुझे मेल लिख देंगे या ग्रुप पे आप मैसेज कर देंगे तो आपको वो पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। इस प्रयोग की चर्चा करें तो आप शुरुआती प्रश्न कुछ ऐसे पूछ सकते हैं कि हवा हमारे ऊपर दाब लगाती है क्या, कब लगाती है, जब तेज आंधी चलती है तब हमारे ऊपर दाब लगाती है, या इस वक्त अगर कमरे में एक पंखा चल रहा है या सर्दियों का मौसम है पंखे भी नहीं चलते हैं तब क्या दाब लगा रही है। आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कब ज्यादा लगाती है, कब कम लगाती है। फिर आप पूछ सकते हैं कि निर्वात क्या होता है, कैसे हम निर्वात का निर्माण करें, और उसमें बच्चों के उत्तर आते हैं कि निर्वात के लिए हमें एक बड़ा बक्सा चाहिए, उसमें हम एक छेद करके पाइप लगा दें, फिर एक वैक्यूम चैम्बर से हम उस हवा को खींच लें, और उसके बाद ये प्रयोग आता है कि हम आज कक्षा में ही निर्वात का निर्माण करते हैं, किसी वस्तु में निर्वात का निर्माण करते हैं। और फिर आप ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बलून के अंदर निर्वात का निर्माण किया, तो उनको एक दायरा बढ़ता है कि नहीं, हमें बड़ी बड़ी मशीनें या एक बड़ा वैक्यूम पंप नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट अगर पता है कि हवा को खींचना ही है तो क्यों ना हम अपने फेफड़े से खींचे, क्यों ना एक स्ट्रॉ लगा के खींचें, क्यों हमें एक वैक्यूम पंप की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसा कॉन्सेप्ट उनका थोड़ा सा जो सोचने का दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ता है। एक चीज और कि आप कक्षा में थोड़े ज्यादा इस तरीके से आप तैयार करके रख लीजिए और आप बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि चलो इसकी अब इस परत को खींच के देखो कि क्या हो रहा है, क्या अलग कर पा रहे हो, क्या कौन से में ज्यादा दिक्कत आ रही है, कौन से में कम दिक्कत आ रही है। अगर कम खींच रहा है तो इसका मतलब कि उसमें अच्छा निर्वात बना है, और अगर थोड़ा बहुत हिला पा रहे हैं सतह को तो उसमें अभी भी थोड़ी बहुत हवा अंदर बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस इसके ऊपर हो सकते हैं। जो इसका रीजन है वो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि हम इसके अंदर से सारी हवा खींच लेते हैं तो इसके अंदर निर्वात बन जाता है, और जैसे ही निर्वात बनता है बाहर की हवा इस पे दाब लगाती है और इसको पिचका देती है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल, हम पनडुब्बियों की बात कर सकते हैं कि उसके अंदर भी दाब का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, या जब हम स्पेस शटल में जाते हैं वहां भी दाब का जो अंतर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वहां कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वहां मटेरियल जो पदार्थ इस्तेमाल करते हैं वो बलून जितना कोमल नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, वो उसको रेजिस्ट कर सकता है। तो हम ये सारे डिस्कशंस अपने क्लासरूम के अंदर इसी छोटे से प्रयोग से ला सकते हैं। धन्यवाद।